आज का दिन में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करेगा सोच रहा था, उसी तरह ये सभी चीज को साथ में हैंडल कर करके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एक दोस्त मिलने आया है मामा को। ये कैसे सो रहे देखो तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करेगा सोच रहा था। एक्चुअली टुडे आई एम फीलिंग बिट लो, एंड वो लो का रीज़न ये है कि थोड़ा सा मेरा एक बेटी के साथ एक खेलने के लिए एक बाई लेके आया था, तो वो बाई और बेटी दोनों बहुत अच्छा दोस्त हो गया था। तो बट ऐसे हुआ है कि फिर बीच में वो बाई का जो माँ पेरेंट्स से वापस बच्चा को मांगा है ना कि वो वापस भेज दो बोल के ना, तो उसे क्यों भाई को वापस देना पड़ा है, तो देना पड़ा है, तो बेटी इज ऑल अलोन ना, तो उसे की बेटी को अभी हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ता है, एंड उसी के साथ घर में भी काम काज में थोड़ा सा हाथ बताना पड़ता है, एंड फिर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई एम ए स्टूडेंट ऑल्सो, तो अपना पढ़ाई को भी मेनटेन करना पड़ता है। तो उसी तरह ये सभी चीज़ को साथ में हैंडल कर करके थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो वही है, आई वॉज हैविंग अ डायलेमा ना, इफ़ आई शुड कंटिन्यू विद माई यूट्यूब जर्नी और नॉट, इफ़ आई शुड स्टॉप इट एंड लाइक फोकस कम्प्लीटली ऑन माई लाइक मदरहुड। सो आई वॉज इन अ वेरी कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। फिर वही सोचा कि जब ये YouTube हम शुरू किया बहुत मुश्किल से, बहुत अफसर सो मैनी थॉट्स के साथ शुरू किया, एंड फिर शुरू करने के बाद फिर बीच में किसी भी रीज़न के वजह से छोड़ना इज़ ऑल्सो नॉट गुड, क्योंकि ये एक चैनल वंस स्टार्ट करना जो ही बहुत सोच के बाद शुरू किया था, तो शुरू करने के बाद अभी ये तकलीफ आया था, फिर छोड़ना इज़ ऑल्सो नॉट राइट। सो कि कल से ही हमको बहुत थोड़ा चल रहता है कि क्या करना है नहीं करना है, थोड़ा सा चीज़ को मैनेज करने में थोड़ा सा हमको दिक्कत आ रहा था, तो इसलिए वही व्लॉगिंग करना है नहीं करना अभी भी कंफ्यूज ही है। तो ये व्लॉग भी ऐसे ही बना रहा है, आप लोगों को थोड़ा मेरा माइंड में क्या चल रहा है शेयर करेगा बोल के ना, वही है। अभी किचन जाएगा, किचन में क्या क्या हो रहा है आप लोगों को दिखाने के लिए करेगा। जितना हो सकता है अपना तरफ से ब्लॉगिंग को तो कंटिन्यू रखने के लिए ट्राई करेगा, कि वंस शुरू कर दिया तो इसको कंटिन्यू करना ही चाहिए ऐसा हमको लगता है ना, एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है, तो अपना तरफ से अभी के लिए ट्राई करेगा, हो सकता है तो होगा, नहीं हो सकता है तो क्विट ही करना पड़ेगा, तो अभी के लिए यही है। सो वही है, ये थोड़ा सोच चल रहा था, ये थोड़ा कुछ तकलीफ आया था, थोड़ा चीज़ को हमको जगलिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दैट्स ऑल, ये इशू चल रहा है। आई होप कि हम मैनेज कर सके एंड अपना यूट्यूब को भी अच्छा समय दे पाए, एंड मदरहुड को भी, एंड साथ ही साथ अपना जो एज स्टूडेंट जो मेरा कर्तव्य है ना, एज स्टूडेंट जो मेरा ड्यूटी है उसको भी। सो लेट्स सी, ये है लाई पत्ता और ये कुछ मीट बना है और ये मीट का पेट। मामा का एवरीडे रिचुअल ये सीरी से पत्ता फेंकना, सीरी का पूरा पत्ता को ये सफ़ा कर देते हैं अच्छा से ना, एवरी डे एंड नाइट, जब भी सीरी से उठता है ये पत्ता जो है उसको सफ़ा कर देते हैं अच्छा से ना, देखो अच्छा से सफ़ा कर देते हैं। बात को बड़ा में भी सफ़ा करो बोलने से, करने से तो अच्छा है, अभी खेल खेल के अनजाने में साफ कर दे रहे पत्ता को ना। Thank you.
या खुद सेल्फ सपोर्ट से जा रहा है इसको पकड़ पकड़ के ना। ये हम लोग एक दुकान में आया था, दुकान में आने के बाद बेटी को एक ड्रेस खरीद दिया और ड्रेस को सीधा पहना भी दिया। देखो पहन के घूम रहा है अभी। थोड़ा पहले मार्केट गया था और मार्केट से शॉपिंग किया है। दिस इज फॉर बेटी, बेटी के लिए क्या है कपड़ा लिया आप लोग हम दिखाएं। ये लिया है, ये एप्रन लिया है, ये एप्रन ना खाना खिलाने से पहनने के लिए। और ये हाफ पैंट, हाफ पैंट सिंगल पीस, और ये भी हाफ पैंट सिंगल पीस। एंड ये सेट में है, इसका हाफ पैंट भी है, इसका हाफ पैंट है ये, ये हाफ पैंट और टॉप्स के साथ, ये भी हाफ पैंट और टॉप्स के साथ, और ये भी एक हाफ पैंट सिंगल पीस। अभी गर्म दिन आ गया ना, गर्म दिन का कपड़ा। बस बहुत दिन से खरीदेगा बोल के था तो आज खरीद लिया ये सब मामा के लिए। पुतला देख के बेहतर है, न्यू ड्रेस मामा का, न्यू जैसे पहन के पुतला दिख रहा है। मामा भी अपना नया कपड़ा लिया लाको, अच्छा लग रहा है शायद। जैसे हम कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दिया अपना कपड़ा का, आगे ठीक से ट्राई करने के लिए कर रहा था, पाँव घुसा रहा था। मामा ये लड़की ना सब चीज़ जानता है, कपड़ा भी पहनने के लिए ट्राई कर रहा था। मेरा कैमरा ले रहे। 3 hours later. तेना दोस्त मामा, एक दोस्त मिलने आया है मामा को। आंग मार रहे आया, क्या क्या सिखा के रख दिया। देखा तो ये अपने घर में भी डर के बात है। इसको चगाप करो, हाथ करो, भाग रहे दोस्त भी करने नहीं जानता है। शर्म कर रहे हैं, नर्वस भी हो रहे हैं। इतना दिन का दोस्त कैसे आ गया? मेरा सही बना है या सामने में मामा ओ ना, तो इसको ये 4 महीना छोटा बहन है, पूरा दांत निकल गया बोला है। ये लड़की तो, ये तो 4 महीना बड़ा लड़की, दांत नहीं निकला अभी तक। तुम यहाँ में बैठे तो बेबी बेबी मेरा ही पीछे पीछे ये बच्चा दोनों को देखो तो, एक जो लॉन्गपैंट नहीं पहना है और एक जो लॉन्गपैंट पहना है, और यहाँ में एक जो एक का स्वेटर पहना है और एक जो स्वेटर नहीं पहना है, फ्रॉक भी सेम सेम। दोस्त हो तो ऐसा ना जुड़वा जुड़वा बन के रखा है। अभी दुकान में कुछ खा रहा है टाइम पास। यहाँ में खाना सब्जी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, बड़ा दीदी बना रहा है। हमें कुछ मीट बनाने के लिए ये मसाला डाल रहा है। यहाँ में चिकन, बड़ा दीदी बहुत अच्छा कुक है, हमको तो बहुत पसंद है बड़ा दीदी का खाना ना, खाना सब्जी बनाने वाला। स्पेशली बड़ा दीदी पोर्क का आइटम से बहुत अच्छा बनाता है, तो कभी दिन आप लोग को हम बड़ा दीदी का जो पोर्क का जो रेसिपी है ना, पोर्क का जो इंटेस्टाइन्स है ना, उसको दीदी बहुत अच्छा से बनाने जानते हैं, उसको तो हमको पर्सनली बहुत पसंद है। दीदी कभी कोई बना के हमें ला भी देता है,
नेहा बनाता भी है तो उसको हमको बहुत पसंद है। तो वो रेसिपी को जब दीदी का भी जब बनाने से हम आप लोग को भी शेयर करने के लिए ट्राई करेगा, और आप लोग भी जब घर में बना के खाएगा तो पता चलेगा कि टेस्ट बहुत अच्छा है। तो दैट्स ऑल, कभी दिन वीडियो में अच्छा से दिखाएगा आप लोग को टेस्ट बन रहे जो घर के लिए शाम के लिए खाने के लिए ना। आलू छिल रहा है दीदी अभी। बड़ा दीदी घर में है तो मेरा तो छुट्टी, दीदी तो बहुत अच्छा बनाते हैं और किचन को पूरा सुंदर से वो खुद ही हैंडल करता है। तो दीदी आ गया तो माय रेस्ट डे, दीदी बहुत अच्छा से बनाता है सभी घर वाला के लिए ना, एंड वेरी क्विकली बना देते हैं सभी चीज़। सो दैट्स ऑल, आप लोगों को दिन अच्छा से दीदी क्या क्या आइटम्स बनाने जानते हैं आप लोग को हम अच्छा से शेयर करेगा। तक दीदी का ना सब्जी बना रहे हैं, यहाँ मैं बुक रहा है, मम्मी को खाना बनाने दो, मम्मी खाना बना रहे, मम्मी को खाना खाना आराम से बनाने दो बोल के मेरा बाबू पे अच्छा से बैठ रहा है। नो अभी रूम में आ गया, किचन से रूम में आ गया और अभी सो जाएगा, बहुत थक गया। गुड नाइट, सी यू ऑल सून। ये बेटी कैसे सो रहा है देखो तो, ये फर्स्ट टाइम है बेटी ऐसे सोने वाला, एक सामान को मुंह में रख के सोने वाला फर्स्ट टाइम। बेटी जो अभी जस्ट क्या किया है, ये जो सो रहा था सो के उठने के बाद थोड़ा सा 5 सेकेंड्स जैसे के लिए उठा है, उठने के बाद ये ब्रश, ये जिसको खेल रहा था मेकअप ब्रश है, इसको लिया है एंड मुँह में डाल के सीधा आँख बंद करके सो गया। ये फर्स्ट टाइम है ऐसे किया वाला, इतना आश्चर्य कैसे ऐसे कर रहा है, इतना आश्चर्य। देखो तो आप लोग भी क्या कर रहा है बेटी, कैसे करके सो गया फर्स्ट टाइम। कैसे सो रहा है देखो तो।